राम मंदिर वाले हम नहीं है, दूसरी गई अकेला मोदी राम मंदिर है, राम मंदिर है। हरियाणा के लाल जो केजरीवाल है इसको सब गद्दी हरी दिल्ली की गद्दी से गुजरात भेज रहे जी। ये इलेक्शन के दो महीने पहले ही तुमने ये खेल क्यों रचाया बीजेपी ने? लेडीज झांसी की रानी होती है, हरियाणा में इन लोगों ने उन लेडीजों पर भी गोलियां और कोड़े बरसाए हैं। ऑक्सीजन भी नहीं दी तो ये प्रधानमंत्री देश का सुरक्षित करेगा? बड़ा कमाया राम मंदिर कहाँ से बनेगा? किसान कमा के देता है उसे पैसे आते तो बेटा राम मंदिर बनेगा। 750 किसान मरे, उनके बच्चे आज गलियों में घूम रहे हैं, विदेश की तरफ देश जा रहा है। ईडी और सीबीआई की आड़ में जो सरकार ये दबाव डालने का और गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया उन्होंने चला रखा है और देश को बर्बाद करने में बीजेपी का बहुत तगड़ा हाथ है। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। ये वो पार्टी है जो हरियाणा भिवानी से आई है केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए। केजरीवाल पानीपत से भी है इसमें कुछ लोग, पीपीआई ये पार्टी का नाम है। बात करते हैं इनसे, क्या क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले तो बीजेपी बचाओ और देश बचाओ। अच्छा। दूसरा, जो बीजेपी की सरकार जो तानाशाही इस देश में करी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री भी जो जेलों में डाले हुए, हम इसके विरोध में इनके समर्थन में यहाँ रामलीला। क्या कहना चाहेंगे? ईडी और सीबीआई की आड़ में जो सरकार ये दबाव डालने का और गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया इन्होंने चला रखा है और देश को बर्बाद करने में बीजेपी का बहुत तगड़ा हाथ है। और विकास के नाम पे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, विकास होता तो बेरोजगारी हो, विकास हो रहा है ना, तभी तो देखिए देश विदेश बना हो गया भारत का। विकास होता तो रोजगार होते हैं, रोजगार छिन चुके हैं, बेरोजगार बिल्कुल मजदूर बिल्कुल नीचे जा चुका है। रोजगार के अवसर तो दे रहे हैं ना कई कई तरीके को, उपाय दे रहे हैं। विकास हो गया तो मैं क्या हुए भूखमरी में, बेरोजगारी में इसका है विकास। 10 साल में 3.5 लाख मजदूर और किसान बेरोजगारी में भूखमरी में कर्जे में दबके आत्महत्या कर चुके। ये जिसको आप विकास कहते हो ये हो विकास, विनाश की तरफ देश जा रहा है। फौरी तौर के ऊपर से मोदी जी की सरकार नहीं हटाई गई तो देश गुलामी की जंजीर। मोदी जी की सरकार लोग हटाएंगे, लोगों में बहुत नाराजगी है, मजदूरों में किसान, हम जो देश का खुश है राम मंदिर बना दिया उनको ही लाएंगे। राम मंदिर नहीं, हमें रोजगार चाहिए। राम मंदिर अपनी जगह हम इज्जत करते, राम मंदिर की जगह हमारे नहीं है, राम मंदिर वाले हम नहीं है, दूसरी जगह अकेला मोदी राम मंदिर है, हमारी राम मंदिर है। दुनिया में मोदी अपनी टेंशन नहीं लगाया, कैसी ही जनता बोलती है राम मंदिर बनाने वाले को। सुनो, राम मंदिर खाने को दे देगा आपको, वहाँ पे भी तो लोग रोजगार मिल रहे हैं ना, जो आसपास रोजगार क्या राम मंदिर से क्या रोजगार मिल रहा है? राम देखिए राम एक मिनट, एक इंसान के दिल में है राम, राम है कण कण में, मेरे अंदर भी इनके अंदर भी, कहीं भी जब काम करते थे उसी टाइम राम का नाम लेते थे, चाहे किसान हल चलाता था तब भी राम का नाम लेता था। एक बात बता, राम मंदिर खान को कितने पैसे लगा दिए, राम मंदिर कहाँ से बनेगा? बड़ा कमाया राम मंदिर कहाँ से बनेगा? किसान कमा के देता है उसे पैसे आते तो बेटा राम मंदिर बनेगा? राम मंदिर तो है ना किसान है, देश पे देश का अंदाजा का पेट भरता है, ठीक है, लेकिन ये किसानों पे भी गोलियां चलाता है। तो ये प्रधानमंत्री देश का राम मंदिर ने, राम मंदिर राम जा कर रहा था, राम तो हर एक बंदा के दिल में है। नहीं नहीं, किसान को एक बार नहीं मचा रहे था, किसान 13 महीने बोर्डरों पे बैठा रहा, 750 किसान मरे, उनके बच्चे आज गलियों में घूम रहे हैं, मजदूर और किसान जाके उसके घर पर पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि आरोप लगे कि कोविड में जो मरे उनको भी इसी गिनती में काउंट कर दिया? नहीं नहीं, कोविड में मरे हाँ करे प्रधानमंत्री ने, करे कोविड में है ना, इन्हें तानाशाही ऑक्सीजन दे दे के मरीजों को मारे है, ऑक्सीजन भी नहीं दी तो ये प्रधानमंत्री देश का सुरक्षित करेगा? ऐसा है, देखिए राम मंदिर तो सबके साझे से बना हुआ है, राम मंदिर का कोई ये नहीं है, पूजा कर दी तो केजरीवाल आपके मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी ने नहीं बनाया, ये पूरे देश के पैसों से बना है। और ये केस तो पहले से ही चल रहा था, कांग्रेस के टाइम से ही चल रहा था, पब्लिक से ही तो मोदी बना है, अब जब पब्लिक को सपोर्ट नहीं करा तो मोदी क्या करेगा? इसमें क्या करेगा बताइए आप? जाकर
पंजाब में गोलियां चलाई है, जो हमारा शिव कपूर शहीद हुआ है, ट्रैक्टर फोड़े, कारें फोड़ी और लाठी चार्ज किया, बोरियों पर मार कर नौजवानों को लेके आई है। हरियाणा प्रीत ने ज्यादा अत्याचार देश के अन्य दत्त पर हो रहा ना, एक रोना बयान आता है, अगर वो वहाँ पे आप होते तो देखते। पंजाब से आए हैं, केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लेडीज झांसी की रानी होती है। हरियाणा में इन लोगों ने उन लेडीजों पर भी गोलियां और गोले बरसाए हैं। जब उसके बाद में उन लेडीजों ने हरियाणा पुलिस और हमारे जवान पुलिस चौकी के अंदर बांट दिए, जब उन्हें नो पता चला था इस देश की नागरिक नहीं है, ये झांसी की रानी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी को रिहा करो, केजरीवाल जी को दोबारा भी लाए रिहा करो। अभी तक तो साबित भी नहीं हो पाया कि वो निर्दोष है, उसका कोई प्रूफ मिला आज तक कोई दोष के लिए। और एक बार बताइए, ये इलेक्शन के 2 महीने पहले ही तुम ने ये खेल क्यों रचाया बीजेपी ने? उनकी गलती साबित हुई होगी तो कुछ मिला घोटाला में कुछ मिला? अब तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए वो लोग बीजेपी वाले, कोई सबूत प्रूफ नहीं कर पाए, तीनों का तीनों बंद करा, किसी का सबूत नहीं मिला। ये क्यों बंद हो रहे हैं बीजेपी के, क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? वो बड़े भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ऐसा है मैडम, भ्रष्टाचार बीजेपी भी बहुत है, कह रहे हैं कि बीजेपी में जो आ गए उन्होंने भ्रष्टाचार छोड़ दिया, क्योंकि एडी उनकी, पुलिस उनकी, सब कुछ उनका है, चैनल भी उनका है। कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा में शामिल हो गए उन्होंने भ्रष्टाचार छोड़ दिया। हाँ हाँ, उनके पास ना, उनके पास एक नदी बहती है जिसमें डुबकी लगाने से आदमी ईमानदार हो जाता है। ये भाजपा वाले, इनका एजेंडा मनुस्मृति है, इन्होंने संविधान को खत्म करना है। ये 2014 से लेके आज तक अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मनुस्मृति लेके आने की कोशिश है, आरएसएस का एजेंडा है। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई और हो, अभी सुखविंदर सुक्खू की हिमाचल में सरकार इन्होंने गिराने की कोशिश की। जहां पे बीजेपी भाजपा सत्ता में नहीं होती वहीं पे सारी करप्शन होती है, क्योंकि इनके पास एक नदी बहती है उसमें डुबकी लगाने से आदमी ईमानदार हो जाता है। वो भाजपा क्या कहेंगे, भाजपा का एजेंडा है क्या केजरीवाल को जेल में डालना? देखो, भाजपा सरकार जो है, चीजें मोदी सरकार, अरे गुजराती आदमी, हम दिल्ली के नजदीक है, क्योंकि हम रेवाड़ी राज्य हरियाणा से आए जी, इसको पता है हरियाणा के लाल केजरीवाल तुझे दिल्ली की गद्दी से हटा के गुजरात भेजने वाला है, इसलिए इसने ये मतलब एक मीनिंग बना के शराब नीति, शराब खुद तो ने शराब बंदी कर रखी है अपने गुजरात में और वहाँ सप्लाई करवाता है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, विपक्ष कमाल की बात है, ऐसा बढ़िया मुख्यमंत्री जो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो पूरे हिंदुस्तान में दिखता है, जब जर्मनी, जब अमेरिका कह रहा है वापिस पागल कोई है, अमेरिका और जर्मनी देश जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े है, एक पढ़ा लिखा आदमी जो IIT एक चौथी पास, कमाल की बात करते हो, चौथी पास कह रहे हो तो कह रहे हैं कि मैंने MA किया हुआ है, एक कमाल की बात है। आपसे मीडिया, आपके ही मीडिया से बोलता है, मेरी कोई पढ़ाई पूरी नहीं की है, डिग्री डिग्री आपको सब पता है झूठी है, डिग्री कुछ भी दिखा देंगे, ये गुजराती आदमी है, चाहे भी समाज समान होता है ना, वैसे गुजराती आदमी है ये अपने गुजरात जाने वाले हैं। और हरियाणा के लाल जो केजरीवाल है, इसको सब लंबी हरी दिल्ली की गद्दी से गुजरात भेज रहे जी। कितना समय लग जाएगा केजरीवाल को बाहर आने में? एकदम समय, आज इतिहास का रिजल्ट 31 मार्च का आ चुका है, सपूर का रिजल्ट आता है, आज पूरा हिंदुस्तान का रिजल्ट आज 31 मार्च को आ चुका है, आपके सामने पूरी हिंदुस्तान की जनता आ चुकी है। नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आएगी, उसको देखना पड़ेगा कौन से देश में भागना पड़ेगा, चाहे ना भागू, ये चाइना जाएगा, जो गुजराती समान और चाइनीज समान की कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए कि रामलीला मैदान में इस वक्त हम है, केजरीवाल के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। एक बार मैं आपको चारों तरफ दिखा दूं, जनता देखिए कितनी ज्यादा तरफ जनता यहाँ पर आई हुई है, केवल पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि आम जनता भी यहाँ पर आई हुई है केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए। केजरीवाल को तब से जेल में डाला गया है, तब से पूरी दिल्ली की जनता में आक्रोश है, पार्टी में आक्रोश है, इंडिया गठबंधन में आक्रोश है, और सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द केजरीवाल को बाइज्जत रिहा किया जाए। देखते हैं कि आखिर ये सब कब होता है, तो बने हमारे चैनल।